जय श्री कृष्णा दोस्तों, दिखने में बेशक मथुरा के पेड़े लग रहे हैं ना, लेकिन मैंने ना ये बहुत ही आसान तरीके से पार्ले जी बिस्कुट्स के बहुत ही सस्ते और बहुत ही आसानी से बनने वाली ये पेड़े बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पैकेट पार्ले जी बिस्किट्स लिए हैं। तो इसे ना हमें मिक्सी जार में डालना है, तो बस इसे ना हमें अच्छी तरह से पीसना है। तो दो पैकेट है तो इसे मैं दो बैच में पीसने वाली हूँ। अब कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तो इसमें अब जाएगा एक कप इतना दूध। इसी के साथ ना इसमें हम आधा कप इतनी जो मिल्क पाउडर है ना वो डालेंगे। बस दो बड़े चम्मच इतनी चीनी डालते हैं और एक बड़ा चम्मच इतना हमें इसमें घी डालना है। तो बस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें केवल 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकने देना है। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच इतनी। मिक्स करते हैं। शुरुआत में मैंने पार्ले बिस्किट की पाउडर बनाई थी ना, वो इसमें अब ऐड करेंगे। तो बस इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक ये डो जैसा फॉर्म नहीं होता है तब तक इसे हमें मिक्स करना है। तो क्या है ना, मावा बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम तो रहता भी नहीं हमारे पास। तो ये बहुत ही सस्ती और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। तो इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे पकाते हुए मुझे कुछ 5 से 7 मिनट लगे हैं। ओके, अब चूल्हे को बंद करते हैं और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो जब मिश्रण है वो हल्का ठंडा हो जाएगा ना, तब इसके हम पेड़े बना लेंगे। स्पून से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और लड्डू जैसे पहले इसे बाइंड करेंगे। हमें थोड़ा इसे चपटा करना है। अब बीच में ना हम थंब से इस तरह से शेप देंगे, फटाफट बन जाते हैं पेड़े। इस तरह से सारे पेड़े बना लेने के बाद अब इसके ऊपर ना 2 चम्मच इतना बूरा डालेंगे, या फिर आप ना चीनी को दरदरा पीस लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से छिड़के। इसे अच्छे से कोट करेंगे। बिल्कुल मावा पेड़े लग रहे हैं और खाने में बहुत ही डिलीशियस है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ।